दोस्तों आज हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ वन प्लस नॉट टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसके नेटवर्क सेक्शन की, तो हमें इसमें देखने को मिलता है LTE 5G जो कि होगा डुअल सिम। और अगर फ्रेंड्स बॉडी वाले सेक्शन की बात करें, तो बॉडी वाले सेक्शन में डायमेंशन हमें मिलेगा 8.3 mm का, जो कि हल्का सा थिक लग रहा है मुझे पर्सनली। और वेट हमें 189 ग्राम का मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, गोरिल्ला ग्लास 5 आगे पीछे दोनों साइड मिलेगा। और अब अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले वाले सेक्शन की, तो ये मिलती है डिस्प्ले में फ्लूइड एमोलेड, जो कि एक अच्छी बात है। और साइज़ मिलता है 6.43 inches का। रिफ्रेश रेट इतने प्राइस सेगमेंट में तो हमें 120Hz का देखने को मिल सकता था, लेकिन इसमें 90Hz का मिलता है। रेजोल्यूशन वही 1080x1024। और अगर फ्रेंड्स की बात करें हम इंटरनल वाले सेक्शन की, तो इसमें हमें 11 Android देखने को मिलेगा विद ऑक्सीजन OS 11.3। वन प्लस की पहचान ऑक्सीजन OS। और चिपसेट MediaTek का डायमेंसिटी, जो कि 1200G होगा, जो कि वन प्लस वाले ऐसा पहली बार कर रहे हैं ना, तो ये सारे प्रीवियस फोनों में हमें देखने को Snapdragon ही मिलता था। और CPU की अगर बात करें तो ऑक्टाकोर होगा, GPU Mali G77। और अगर मेमोरी वाले सेक्शन की बात करें, तो कार्ड स्लॉट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा इसमें। और इंटरनल स्टोरेज होगी 6128, 8128 और 12256, अलग अलग वेरियंट के साथ। और अगर कैमरे वाले सेक्शन की बात करें, तो इसमें हमें मेन कैमरा ट्रिपल स्लॉट के साथ मिलेगा, जो कि 50 MP वाइड कैमरा होगा, 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, 2 MP मोनोक्रोम कैमरा होगा। और वीडियो वाले सेक्शन में बात करें, तो 4K वीडियो 3 FPS पे इजीली रिकॉर्ड कर पाएंगे, और 1080 पिक्सल पे 30 FPS और 60 FPS पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अगर फ्रंट कैमरे के वाला सेक्शन देखें, तो इसमें सिंगल कैमरा मिलेगा फ्रंट में, जो कि होगा 32 MP ओनली वाइड कैमरा। और वीडियो वाले सेक्शन में वही 1080 पिक्सल पे 30 FPS रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अगर साउंड वाला सेक्शन एक बार देखें, तो लाउड स्पीकर में देखने को मिलेगा हमें स्टूडियो स्पीकर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, साउंड का फुल मज़ा आएगा। लेकिन ऐसे ही अफसोस की बात यह भी कि 3.5 mm वाला जैक हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम इसके कम्युनिकेशन वाले सेक्शन में बात करें, तो ब्लूटूथ मिलेगा हमें 5.2, जो कि 5.1 भी आता है और 5.0 भी आता है बहुत फ़ोनों में, लेकिन ये एक अच्छी बात है। GPS मिलेगा डुअल बैंड के साथ, NFC मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, टाइप सी के साथ चार्जिंग का पोर्ट मिलेगा। और फ्रेंड देख लेते हैं कुछ सिक्योरिटी वाला सेक्शन, सेंसर वाला सेक्शन। तो हमें इसमें सेंसर मिलेगा फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले, जो कि एक अच्छी बात है, अब तो पीछे के अच्छे भी नहीं लगते। और एक्सेलेरोमीटर मिलेगा, प्रोसेसमीटर मिलेगा, कंपास मिलेगा, गायरो सेंसर मिलेगा। सेंसर सारे ही अवेलेबल हैं, 5 ही मोस्टली होते हैं। और फ्रेंड्स देख लेते हैं चार्जिंग वाला सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एक स्मार्टफोन के लिए। बैटरी मिलेगी हमें 4500 mAh की देखने के लिए, और चार्जिंग मिलेगी फास्ट चार्जिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। 65 वोल्ट के साथ 0 से 100% हो जाएगा इन 30 मिनट्स, ऐसा कंपनी का कहना है। और फ्रेंड्स इसके कलर्स देख लेते हैं, कितने कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ग्रे सियरा देखने को मिलता है, ब्लू हेज मिलता है, ग्रीनवुड। ग्रीनवुड जो है ये नया ऐड हुआ है वन प्लस वालों की तरफ से। दोस्तों एक कलर तो यही आता है जो आप सामने देख रहे हैं ग्रे, ये प्रीवियस नोड में भी था। दोस्तों एक ये आता है ब्लू हेज निकल के, ये भी अच्छा लगता है कलर, ये लेडीज़ के मतलब का ज़्यादा है वैसे। फ्रेंड नया जो आया है वो ये है ग्रीनवुड, ये थोड़ा यूनिक लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये वाला कलर कैसा लगा। और दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करें, जो कि सबसे मेन बात है, तो प्राइस ये निकल के आती है इसके तीनों वेरिएंट की। आप मुझे बताएं प्राइस कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।